नमस्कार, मैं हूं रंजीत कुमार और शुरू हो चुका है देश का मूड मीटर। लेबनान के आतंकी संगठन हिजबुल्ला के चीफ नसरल्ला को इजरायल ने ठोका तो ईरान खूब तिलमिलाया। तेहरान में मातम मना, लेकिन नसरल्ला के लिए ऐसा मातमी जुलूस श्रीनगर और लखनऊ में क्यों निकलने लगा? अपने देश में क्यों शोक मनाया जा रहा? आतंकी आका के लिए आंसू बहाने वालों का एजेंडा कितना खतरनाक है बताएंगे आपको। और देश का मूड मीटर की दूसरी स्टोरी में आपको दिखाएंगे कि कैसे आज का हिंदुस्तान भी बन रहा है सोने की चिड़ियां, लेकिन इस बार गौरव से ज्यादा चिंता वाली बात। लेकिन देश का मूड मीटर की शुरुआत एक कट्टर एजेंडे के खुलासे के साथ। तो देश का मूड मीटर की शुरुआत आज एक सवाल के साथ। एक ग्लोबल टेररिस्ट के खात्मे पर हिंदुस्तान का मुस्लिम तबका आखिर क्यों छाती पीट रहा? जो 6 लाख सीरियाई नागरिकों के कत्लेआम का साझीदार रहा, जिसने इसराइल पर पिछले 30 सालों में अनगिनत फिदायीन हमले करवाए, न जाने कितने बेगुनाहों की जान ली, उसे शहीद बताना और हिंदुस्तान के मुसलमानों से कम 3 दिन का मातम मनाने की अपील करना, उसकी याद में जगह जगह सभाएं करना और करबला की लड़ाई की तरह एक आतंकी के खात्मे को पेश करना, ये क्या आपको चौंकाता नहीं? आतंकी संगठन हिजबुल्ला के चीफ नसरुल्ला इजरायल के हवाई हमले में मारा गया। हिंदुस्तान से 4000 किलोमीटर दूर लेबनान के बेरूत में मारा गया। 3 दिन पहले खबर दुनिया को मिल चुकी थी, लेकिन इस खबर पर पिछले 48 घंटे से हिंदुस्तान में जो कुछ होता हुआ दिखाई दे रहा है वो चौंकाने वाला है। परसों रात कश्मीर में नसरल्ला को शहीद बताते हुए रैलियां शुरू हुई, उसकी आंच अब यूपी तक पहुंच चुकी, बंगाल तक पहुंच चुकी। कश्मीर में श्रीनगर, बड़गाम समेत कई जगहों पर मार्च निकाले गए थे। उसके 24 घंटे बाद यूपी के लखनऊ और सुल्तानपुर में नसरल्ला के लिए मातमी प्रदर्शन हुए, जिसमें छोटे बच्चों से लेकर बड़ी उम्र के नौजवान तक जुटे। और इस प्रदर्शन में वो मजहबी नारे लगाए गए जो मुहर्रम के मौके पर लगाए जाते। इस प्रदर्शन में छातियां पीटी गई, प्रदर्शनकारी रोते नजर आए और आतंकी नसरल्ला को मर्द शहीद और सच्चा मुजाहिद यानी इस्लाम के लिए खुद को कुर्बान करने वाला बताते देखे गए। इस दौरान छोटे बड़े मुस्लिम प्रदर्शनकारी अमेरिका को आग लगा दो, इजराइल को तबाह कर दो, इस तरह के नारे लगाते सुने गए। उकसावे वाली नारेबाजी कर रहे छोटे बड़े प्रदर्शनकारी एक और नसरल्ला को शहीद बताने और उसमें एक पोस्टर लहरा रहे थे और दूसरी ओर उनकी हाथों में हिंदुस्तान जिंदाबाद का पोस्टर भी दिखाई दे रहा। ये वो चौंकाने वाला घालमेल है जिसे कट्टरपंथी गैंग सिर्फ हिंदुस्तान में ही नहीं बल्कि दुनिया भर में आजमा रहा, अपने उकसावे का हथियार बना रहा, जिसमें मजहबी एजेंडा भी खुलकर सामने आ रहा है और अपने बचाव के चोर रास्ते भी दिखाई दे रहे हैं। सवाल इसलिए है कि देश प्रेम की दुहाई देकर उस शख्स के लिए मातमी प्रदर्शन क्या चालाकी नहीं है, जिसे दुनिया के कई देश एक ग्लोबल टेररिस्ट मानते, एक अंतर्राष्ट्रीय आतंकी मानते। सवाल सीधा है, हिंदुस्तान के मुसलमानों को एक आतंकी की गिनती अपने शहीदों में करने की जरूरत क्या है? उसे इस्लाम के पैगंबर के नवासों हसन हुसैन की कतार में खड़ा करने की मजबूरी क्या है? मौलाना यासूब अब्बास का बयान सुनिए और देखिए कि कैसे भारत के मौलाना एक आतंकी की मौत पर छाती पीट रहे हैं। अपील करता हूं कि हमारे मुल्क हिंदुस्तान में कम से कम 3 दिन का शोक मनाया जाए और अपने घरों के ऊपर स्याह परचम लगाएं, शोक मनाएं और कोशिश इस बात की करें के सैयद हसन नसरुल्लाह के इस साले सवाब के लिए मजालिस मुनक्कित करें। तो आपने देखा कि किस तरीके से ये कहा जा रहा है कि आप नसरुल्लाह की मौत पर शोक मनाइए, 3 दिनों तक कम से कम आप अपने घरों पर काले झंडे लगाइए और इस तरीके से आप शोक मनाइए कि आपका एक बड़ा नेता, इस्लाम का एक बड़ा नेता
मारा गया है। आप सोचिए कि किस तरह की बातें की जा रही और ये किसके समर्थन में की जा रही है। नसरल्ला के बारे में जब इसका आप इतिहास देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि इसने लेबनान से लेकर और इसराइल और गाजा फिलिस्तीन में किस किस तरह के आतंकी घटनाओं को इसने अंजाम दिया, उसकी एक एक लंबी फहरिस्त है। इसराइल के हमले में हिजबुल्ला के मतलब आप देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि किस तरीके से जो टॉप कमांडर मारे गए, तो एक नई घटना है। लेकिन इससे पहले किस तरह की चीज़ें होती रही है और किस तरीके से हिजबुल्ला ने पूरे मिडिल ईस्ट को एक तरीके से बार बार युद्ध के मुहाने पर पहुंचा दिया, उसकी एक लंबी कहानी है। और ये दुनिया में किसी से बात छिपी हुई नहीं है कि कैसे ईरान ने इसराइल के साथ सीधी सीधी जंग से बचने के लिए इसराइल के चारों तरफ ऐसे आतंकी संगठनों को खड़ा किया जो कि उनके साथ छापामार तरीके से लड़ाई लड़ सके। और आज हम उसी का अंजाम देख रहे हैं कि दुनिया एक बार फिर से युद्ध के मुहाने पर है, मिडिल ईस्ट एक बार फिर से युद्ध के मुहाने पर खड़ा है। लेबनान में आतंकी नसरुल्ला के खात्मे पर जिस तरह कश्मीर से लेकर यूपी में रोना धोना मचाया जा रहा है वो हैरान करने वाला है। मिडिल ईस्ट के एक देश का आतंकी हिंदुस्तान के मुसलमानों का रोल मॉडल कैसे हो सकता है? मुसलमान होने या शिया मुसलमान होने के अलावा और क्या वजह है कि हिंदुस्तान के मुसलमानों को नसरल्ला की मौत पर इतनी हाय तौबा मचानी थी? आप खुद बताइए। कहने वाले कह रहे हैं कि नसरल्ला आज़ादी का सिपाही था, नसरल्ला फलस्तीनियों और लेबनानियों के अधिकारों के लिए लड़ रहा था। अगर नसरल्ला की मौत पर छाती पीटने वाले उसकी इस बात से इतने प्रभावित हैं कि वो जुल्म के खिलाफ लड़ रहा था, तो इन लोगों से ये भी क्यों नहीं पूछा जाना चाहिए कि बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे जुल्म को लेकर उनकी राय क्या है? क्या उनका दिल सिर्फ तभी कचोटता है जब दुनिया के किसी कोने में किसी मुसलमान के साथ जुल्म होता है? हिंदुस्तान के पड़ोस में पाकिस्तान है जहां हिंदुओं पर जुल्म की खबरें लगातार आती रहती हैं, तब तो इनका दिल कभी नहीं कचोटता, उसके लिए कभी जुबान नहीं खुलती। क्यों भाई, क्या मजहब के नाम पर सब कबूल है? बांग्लादेश में मुस्लिम कट्टरपंथी अल्पसंख्यक हिंदुओं पर जुल्म ढा रहे हैं, उनके खिलाफ दुनिया भर में आवाजें उठ रही है, लेकिन नसरल्ला के लिए मातम मनाने वाले तब ये कह रहे हैं या कहते सुने गए हैं कई बार कि बांग्लादेश के हिंदुओं से हमारा क्या लेना देना, हिंदुस्तान का क्या लेना देना। अब उन्हीं का दिल नसरल्ला के लिए फटा जा रहा है। आतंकी नसरल्ला के खात्मे पर कश्मीर और यूपी में हुए प्रदर्शनों में जो नारे लगाए गए उसके इरादे बहुत खतरनाक दिखते हैं, जिसमें कहा जा रहा है कि तुम कितने नसरल्ला मारोगे हर घर से नसरल्ला निकलेगा। इस उकसावे वाले नारे की बुनियाद और उसके पीछे का मकसद हर हिंदुस्तानी को समझना जरूरी है। आपको याद दिला दें कि देश को तोड़ने वालों की साजिश रखने वालों के समर्थन में ऐसे नारे हिंदुस्तान में बहुत पहले भी लगाए जा चुके हैं। हिंदुस्तान की संसद पर आतंकी हमले के मास्टरमाइंड अफजल गुरु के लिए कश्मीर से लेकर देश के हर हिस्से में कट्टरपंथी गैंग ने इसी नारे का इस्तेमाल किया, और अब लेबनान के आतंकी नसरल्ला के लिए हिंदुस्तान के हर घर से नसरल्ला निकलने की नारेबाजी की जा रही। छोटे बच्चों की जुबान से अगर ऐसे जहरीले नारे सुनाई दे रहे हैं तो समझ लीजिए कि हिंदुस्तान का आने वाला कल कैसा होगा, क्योंकि ये जिहादी एक तरीके से जिहादी मानसिकता को बढ़ाने वाला नारा है और इसका इस्तेमाल अपने मजहब के आतंकी को सही ठहराने के लिए किया जा रहा है।